आग लगने से झुलसी एक महिला की मौत के बाद मॉर्चरी के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजन मृतका का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रहे थे और पुलिस बिना पोस्टमार्टम के शव देने को तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मृतका के शव का वह पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते और न ही कोई कार्यवाही चाहते हैं, लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद भी पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाने पर आमादा है। जानकारी के अनुसार लंका कॉलोनी निवासी कमला देवी की आग लगने से मौत हो गई थी। कमला देवी को गंभीर हालत में अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया था, जहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल बारा कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये कमला बाई थी जो मायरवल बस्ती में रहती लंका कॉलोनी में, जो तापते वक्त आग में गिर जाने से जल गई थी। जलने से इलाज चल रहा था राजकीय चिकित्सा रकोटा में, और कल मृत्यु हो गई। जो सूचना कमला भाई बाइप ऑफ मांगीलाल यरवाल थी, वहाँ से अपने लंका कॉलोनी वाला से।